नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। बढ़ते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की तरफ। महीने के पहले ही दिन महंगाई का अटैक कमर्शियल गैस सिलेंडर 2355 रुपए का हुआ। देश में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, दिल्ली में 1500 नए केस। कर्नाटक ने जापान और थाईलैंड से आने वालों के निगरानी के लिए दिए दिशा निर्देश। बंगाल में भीषण गर्मी के बीच बारिश से मिली राहत, काल बैसाखी ने बरपाया कहर, एक की मौत। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 60% से अधिक लाभार्थियों को मिल चुकी है पहली खुराक, केंद्र ने बताया। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट ने तोड़े 6 साल के रिकॉर्ड, राज्यों का हाल बेहाल। छत्तीसगढ़ वीडियो में एक व्यक्ति को उल्टा लटकाकर बेदर्जी से पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल आज भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। नोएडा ब्रजेश हत्या मामले में सामने आया CCTV, मारते दिख रहे बार के बाउंसर और स्टाफ। यूपी में बिजली संकट, दिल्ली दौरे पर सीएम योगी की हुई गृह मंत्री अमित शाह से बात। बीरभूम हिंसा मामले में एक और की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 10। दिल्ली के शकुरपुर में तेज रफ्तार से पलटी कार, 2 लड़कियों की मौत। पटियाला हिंसा मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार, CIA ने मोहाली से पकड़ा। सूरज बरसा रहा शोले, बांदा में दर्ज किया गया देश में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान, 50 के आंकड़े को पार कर सकता है पारा। महाराष्ट्र में हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रही बीजेपी, CM उद्धव ठाकरे ने कहा। दिल्ली में कोरोना के 1520 नए मामले, एक की मौत। केरल में मुस्लिम विरोधी बयान देने पर पूर्व कांग्रेस नेता अरेस्ट, कहा था ये रेस्टोरेंट में नपुंसक बनाने की पिलाते हैं चाय। यूक्रेन पहुंची हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली, बच्चों से किया वापस आने का वादा। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से कई राज्यों में हाल बेहाल, पंजाब में उच्चतम स्तर पर पहुंची बिजली की मांग। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी, पाकिस्तान में इमरान खान समेत 150 के खिलाफ मामला दर्ज। उन्नाव में ड्यूटी के पहले दिन ही नर्स के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, अस्पताल के छत से लटकाया शव। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।